क्लास 10. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक. इट इज चैप्टर 8 ऑफ योर बुक रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम. एपी एंड जीपी वी हैव फिनिश्ड, मैट्रिसेस वी हैव फिनिश्ड. वन डे आई एम गोइंग टू अनाउंस टेस्ट फॉर एपी जीपी एंड मैट्रिसेस दैट विल बी नोन. नाउ लिसन केयरफुली. वी हैव कंप्लीटेड मैट्रिसेस एपी एंड जीपी. व्हाट यू डू, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट, स्लोली स्लोली मैसेज मी, आई विल बी गिविंग द सॉल्यूशन. बट बोर्ड एग्जाम इज देयर, सो आई विल नॉट वेट. यू हैव 5 or 6 problems. Why sir is starting new topic? I'm starting. Whatever the problems are there, message me. I'll be solving slowly, slowly. Clear? Now, chapter name is Remainder Factor Theorem. In this chapter also, they will write factorize. In class 9, one full chapter was there of factorization. Clear? Again, they will write factorize. Now, how you will recognize कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम और सिंपल फैक्टराइजेशन. क्लास 9th में दीज मेनी फैक्टराइजेशंस वर देयर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूज ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वॉज देयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वॉज देयर. याद आया? नॉट इन दिस, दीज टाइप विल नॉट, यू विल नॉट गेट. इट इज लिटिल डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन. सो हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम. कैसे समझोगे कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का सवाल है, समझो. व्हेन हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 3 और ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन 3 देन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम एक्ट्स. देन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम एक्स. बात समझ में आई? हाईएस्ट पार्ट तुम्हारे कोर्स में स्टार्ट्स फ्रॉम 3 वाली है. ग्रेटर देन 3 नहीं, मतलब 4 degree 5 degree इज नॉट देयर. बोर्ड एग्जाम के बोर्ड में ओनली 3 degree इज देयर. क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर है. इन एग्जाम वेन एवर क्वेश्चन विल कम फैक्टराइज, यू विल सी द पावर ऑफ एक्स. And power of x, if you are getting 3, then it is question based on Remainder Factor Theorem. Clear? Now check it out, how they will give you the question. They will say, factorize x cube minus 7x plus 6. अर्लियर बच्चा कहता सर 9th में तो था एक्स क्यूब वाला, बट वो ऐसे था एक्स क्यूब माइनस 64. याद आया? हम लोग करते थे x का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब, देन वी वर अप्लाइंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला. क्लियर और नॉट? हियर x इज ऑल्सो कमिंग एंड नो टर्म ऑफ दिस टाइप, नो क्यूब इज देयर. सिंपल एन इक्वेशन विल बी गिवेन, सिंपल एन इक्वेशन विल बी गिवेन इन द पावर 3. Now, working method, you see, it's important. First time you are going to do your exam in mathematics. It was not then 9th, 8th. Now, check it out. सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? इस expression में put x equals to 1. यहां लिख, this will be the question. You will write x cube minus 7x plus 6 equals to 0. By your own, 0 you will put here. Clear? Now, what you will do? तुम्हें x पे ऐसी वैल्यू रखनी जिससे ये 0 के इक्वल हो जाए. लिसन केयरफुली, तो पुट x इक्वल टू 1. बच्चा कहता सर कैसे रखेंगे आप एग्जाम में? यू कैन टेक 1 माइनस 1, 1 रखना, 0 नहीं हुआ तो माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3. इन तीन में 101% हो जाएगा. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सर कैसे पहचाना आपने? देखो लास्ट नंबर का एलसीएम लेना, 2 3 6, 3 1 3. इसके फैक्टर कौन कौन है? 1 भी है, 2 भी है, 3. इसी लेवल में यही नंबर्स लेंगे जिस पे 0 होगा. मैंने x 1 लिया, यहां रखो 1 क्यूब 1 माइनस 7 प्लस 6. देखो 0 इक्वल टू 0 आ गया. क्लियर? हेंस वन इस साइड लाओ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. क्लियर? फर्स्ट टाइम के लिए डिफिकल्ट है. व्हेन 1 or 2 क्वेश्चन यू विल डू, यू विल बी गेटिंग इट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग होल कॉन्सेप्ट, व्हाट यू हैव टू डू इट. एक तो मैं एक्सप्रेशन लिखा होगा, फैक्टराइज क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा, 0 नहीं लिखा होगा. तुम क्या करना, उस एक्सप्रेशन को इक्वल 0 कर देना.
क्लियर. अब आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें एक्स पे कैसी वैल्यू रखनी है, यू हैव टू पुट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट दिस एलएचएस शुड बी इक्वल टू आरएचएस, मतलब एलएचएस शुड बी जीरो. आई एम टेकिंग एक्स इक्वल्स टू वन, वन रखा जीरो आ गया. नाउ दिस वन यू ट्रांसफर लेफ्ट साइड, हेंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. दिस मच क्लियर. अब क्या करना है, एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड करना है. ये फेयर वर्ग है, x cube minus 7x plus 6, class 8th division. How you have done? पहला वाला cancel करते हैं. यहाँ x है, यहाँ x cube है. x square time it will go. x cube minus x square है नहीं, अलग लिखो. Sign will change, plus minus cancel. इसको copy करो. x square minus 7x plus 6. अब x time लिया. Plus x, x square minus 6. Plus minus cancel. Minus 6x plus 6. Minus 6 time लिया. माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, साइन यू चेंज, माइनस प्लस कैंसल्ड, इट इज कमिंग जीरो. नाउ व्हाट यू विल डू, चेक इट आउट हियर. अगेन यू विल टेक फुल क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स, पहला फैक्टर क्या था, एक्स माइनस वन. दूसरा फैक्टर क्या निकला, मतलब कोशेंट क्या है, x square plus x minus 6. Once again you see, first factor was x minus 1. Quotient हमेशा, remainder हमेशा 0 आएगा, quotient मिलेगा यहां पे. This quotient. Now इसके factor करो. x minus 1, x square plus 6 के करो, बनाए 3x minus 2x minus 6. x minus 1 bracket x common, x plus 3 minus 2 common, x plus 3. फाइनल आंसर लिखो, x माइनस वन, x माइनस टू, x प्लस थ्री. दिस इज योर आंसर. कॉमा वामा कुछ नहीं लगाओगे, डायरेक्ट लाइक दिस यू विल लीव, विदाउट कॉमा, विदाउट डॉट. बच्चे कहता सर आई वांट टू चेक माय आंसर इज करेक्ट और नॉट. व्हाट यू विल डू आफ्टर गेटिंग योर आंसर, मल्टीप्लाई दीज थ्री, यू विल गेट दिस, हेंस योर आंसर इज करेक्ट. क्लियर द कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू जीरो. After 0, you will take that as a factor. That factor say you will divide your full expression. Some quotient you will get. Then you will write your question equals this factor and quotient. Quotient ka factor you do. Final answer you will get. There will be no commas, no dots in the answer. This is your final answer. If you have time in exam, then you can check your answer is correct or not. For this, multiply this. You will get this expression. Clear? Over.